हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें, जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां आक्रामक हुई पुतिन की सेना, यूक्रेन में स्कूल पर गिरा दी हाइपरसोनिक मिसाइल, 400 से अधिक लोगों के दबे होने की बहुत बड़ी खबर दोस्तों इसी बीच आपको बताएंगे। जहां पर पाकिस्तान की राजनीति में हाई वोल्टेज ड्रामा, आपातकाल लगा सकते हैं पीएम इमरान खान। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में इमरजेंसी घोषित की जा सकती है दोस्तों, बताएंगे सबसे बड़ी खबर। इसको लेकर संदेश जारी कर दिया गया है दोस्तों, आपको बताएंगे इसी बीच। जहां पर क्या इमरान खान की जगह शाह महमूद कुरैशी बनेंगे प्रधानमंत्री, पाकिस्तानी सियासत में सबसे बड़ा भूचाल से बना आसार। जी हां दोस्तों, बताएंगे सब में बड़ी खबर इमरान खान की कुर्सी को लेकर दोस्तों, और बताएंगे आपको। जहां पर अब यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की का पुतिन पर बहुत बड़ा वार, 11 रूस से जुड़े राजनीतिक दलों को यूक्रेन में निलंबित कर दिया गया है दोस्तों, इसी बीच आपको बताएंगे। जहां पर उत्तराखंड के सीएम से जुड़ी बहुत बड़ी खबर, और मणिपुर से भी जुड़ी बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, तो हर तरह की जानकारी अभी हम आपको देने वाले हैं, तो आराम से बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले, हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी हां तो हर चीज संभव है, भारतीय सेना है तो अपना देश गर्व से जी रहा है, और आपको भी भारतीय होने पर शान है, और मानते हैं कि अपना भारत देश नंबर वन देश, और भारत की विदेश नीति सबसे टॉप की है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां यूक्रेन में स्कूल पर गिराई हाइपरसोनिक मिसाइल, कई लोग मलबे में दबे, 400 से अधिक लोग थे मौजूद, बहुत बड़ी खबर। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग के 25वें दिन पुतिन की सेना और अधिक आक्रामक हो गई है दोस्तों। मारियूपोल के स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक रूसी सेना ने एक स्कूल के ऊपर बम गिरा दिया है, जिसके चलते मलबे में कई लोग दब गए हैं। बताया ये जा रहा है कि इस स्कूल में करीब 400 लोगों ने शरण ली हुई है दोस्तों, अभी तक किसी के मौत की पुष्टि नहीं हुई है। इसी बीच यूक्रेन के कई शहरों में हवाई हमले का अलर्ट जारी हुआ है, बड़ी खबर। रूस आज यूक्रेन के 18 से ज्यादा शहरों पर एयर स्ट्राइक कर सकता है, इसके बाद से लगातार इन शहरों में सायरन भी बज रहे हैं। जानकारी के मुताबिक सूमी, टर्नोपिल, पोल्टावा, खारकीव, जपोरिजिया, कीव, लवील जैसे शहरों पर हमला हो सकता है दोस्तों। इसी बीच आपको बता दे, जहां जंग के बीच रूस का सपोर्ट करने के लिए चीन पर होगी कड़ी कार्रवाई, अमेरिका ने दिए बड़े संकेत दोस्तों। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के एक रिपब्लिकन सदस्य टेड बर्ड ने कांग्रेस को एक बिल प्रस्तुत किया है, जो यूक्रेन युद्ध के बीच रूस को मिल रहे चीन के समर्थन पर चीन के कुछ सामानों पर अतिरिक्त शुल्क लगाने की घोषणा की संभावना का सुझाव दिया है दोस्तों। प्रस्ताव में कहा गया है कि चीन यूक्रेन में स्थिति की पृष्ठभूमि के खिलाफ रूस को फाइनेंशियल मदद दे रहा है। जी हां दोस्तों, अमेरिकी कांग्रेस के अनुसार रूस के लिए चीन के समर्थन में अन्य बातों के अलावा चीन में यूक्रेन में एक विशेष ऑपरेशन की पृष्ठभूमि के खिलाफ रूस से कृषि उत्पादों की खरीद की मात्रा में बढ़ोतरी शामिल है। इस संबंध में टेड बर्ड ने चीन का मुकाबला करने के लिए कई उपायों के प्रस्ताव दिए हैं। आपको बता दे दोस्तों कि अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि को राष्ट्रपति के सामने डेटा पेश करना होगा कि चीन रूस से कितना गेहूं और जौ खरीदता है। अगर ये पता चलता है कि वॉल्यूम 1 फरवरी तक दर्ज आंकड़ों से अधिक है, तो वॉशिंगटन चीन से अमेरिका में आयातित कुछ सामानों पर सीमा शुल्क बढ़ा देगा दोस्तों। इसी बीच सबसे बड़ी खबर पाकिस्तान से, जहां पाकिस्तान की राजनीति में हाई वोल्टेज ड्रामा, आपातकाल लगा सकते हैं पीएम इमरान खान, जारी कर दिया बड़ा संदेश। जी हां, पाकिस्तान की राजनीति में तूफान मच गया है दोस्तों, अपनी सत्ता बचाने के लिए इमरान खान पाकिस्तान में आपातकाल लगाने पर विचार कर रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने समर्थकों के लिए एक संदेश भी जारी कर दिया है, जबकि पाकिस्तान की तमाम विपक्षी पार्टियों ने कहा है कि अगर नेशनल असेंबली के स्पीकर संसद में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर आगे की कार्यवाही नहीं करते हैं, तो सोमवार को इस्लामिक देशों की बैठक नहीं होने दी जाएगी। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान की राजनीति पिछले एक महीने से काफी तनावपूर्ण है, और इमरान खान का साथ उनके अपने ही कई सांसदों के अलावा सहयोगी पार्टियों ने छोड़ दिया है। सेना पहले ही इमरान सरकार से समर्थन वापस ले चुकी है, लिहाजा अब इस बात की काफी कम उम्मीद है कि इमरान खान अपनी सरकार बचा पाएंगे।
करेंगे। वहीं अब इमरान खान ने अपनी पार्टी का संतुष्ट सांसदों को दल बदल आरोपों के तहत कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है, जिसमें पूछा है कि उन्हें दल बदलू क्यों नहीं घोषित किया जाए और उन्हें नेशनल असेंबली में अयोग्य क्यों नहीं घोषित किया जाए। पाकिस्तानी राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इमरान खान अपने कई सांसदों को अयोग्य ठहराकर अपनी सरकार को बचाने की कोशिश में है। दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के करीब 24 सांसद बागी हो चुके हैं और अविश्वास प्रस्ताव के दौरान इमरान खान के खिलाफ वोट डालने वाले हैं, लिहाजा सदन में वोटिंग से पहले ही उन्हें अयोग्य घोषित करने की कोशिश हो रही है। दोस्तों पाकिस्तान अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान के पास अब अपनी सरकार बचाने के लिए देश में आपातकाल लगाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा है, लेकिन इमरान खान के लिए ऐसा करना भी संभव नहीं है क्योंकि पाकिस्तानी संविधान के मुताबिक देश का राष्ट्रपति ही देश में आपातकाल घोषित कर सकता है और उसके लिए पाकिस्तान संसद में दो तिहाई बहुमत से आपातकाल पर प्रस्ताव पास होना चाहिए। इसके साथ ही आपातकाल लगाने के लिए दो बड़ी वजह होनी चाहिए। पहली वजह है कि देश पर बाहरी खतरा हो और दूसरी वजह देश की आंतरिक स्थिति काफी खराब हो चुकी हो। डॉन अखबार के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान ना किसी जंग के मुहाने पर है और ना ही देश की आंतरिक स्थिति जैसे गृह युद्ध जैसे हालात भी नहीं है, लिहाजा इमरान खान की बात मानना भी राष्ट्रपति के लिए संभव नहीं है। लिहाजा इमरान खान भले ही आपातकाल के बारे में सोच रहे हो लेकिन ऐसा करना उनके लिए संभव नहीं है। दोस्तों बहुत बड़ी खबर, यानी कि इमरान खान अब कितना भी जोर लगा ले दोस्तों उनकी कुर्सी जाने ही वाली है। दोस्तों आप क्या कहते हैं, क्या इमरान खान जैसे प्रधानमंत्री को अपने आप ही कुर्सी छोड़ देनी चाहिए? दोस्तों अगर थोड़ी बहुत भी शर्म होती है तो क्या कहते हैं आप लोग कमेंट में बताना, बिल्कुल मत भूलिएगा इमरान खान की कुर्सी को लेकर दोस्तों, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ विपक्ष ही नहीं दोस्तों अब इमरान के समर्थन सांसद भी इमरान को चुनौती दे रहे हैं। ऐसे में जब अपने ही चुनौती देने लगे तो हार निश्चित होती है। क्या कहते हैं आप लोग, राय सुझाव जरूर दीजिएगा। इसी बीच आपको बता दे, जहां क्या इमरान खान की जगह शाह महमूद कुरैशी बनेंगे प्रधानमंत्री? पाकिस्तानी सियासत में भूचाल से बने हैं ये बड़े आसार। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान की सियासत में इन दिनों भूचाल आया हुआ है, आप सभी जानते हैं। और प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ पार्टी यानी पीटीआई सरकार अल्पमत में अब आती दिखाई दे रही है। दोस्तों एक तरफ जहां इमरान खान की पार्टी के करीब 24 सांसद बागी हो गए हैं तो वहीं पाकिस्तानी सेना भी अपने लाडले का साथ नहीं दे रही है। इसी बीच सरकार को बचाने के लिए अब सत्तारूढ़ गठबंधन के अंदर नेतृत्व परिवर्तन की भी मांग तेज हो गई है। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया में दावा किया जा रहा है कि इमरान खान की जगह पर देश के बड़बोले विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी और परवेज खटक का नाम सबसे आगे चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय सुझाव होगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों ऐसे में इमरान के अलावा किसको प्रधानमंत्री बनाना चाहिए पाकिस्तान का सुझाव जरूर दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां रूस से जुड़े 11 राजनीतिक दल यूक्रेन में निलंबित, जेलेंस्की का पुतिन पर सबसे बड़ा वार। जी हां दोस्तों अभी की सबसे बड़ी खबर, यूक्रेन पर हमले को लेकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ अमेरिका और पश्चिमी देश प्रतिबंधों की कार्यवाही कर चुके हैं। अब शनिवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने भी रूस पर बड़ी कार्यवाही करते हुए 11 राजनीतिक दलों की गतिविधियों को देश से निलंबित करने का आदेश दिया है। उनमें से सबसे बड़ी पार्टी का नाम अपोजिशन प्लेटफॉर्म फॉर लाइफ है। दोस्तों रूसी सैनिकों के ताबड़तोड़ हवाई हमलों के बाद यूक्रेन सरकार ने भी रूस के प्रति सख्त रुख अपनाना शुरू कर दिया है और रविवार को जेलेंस्की ने रूस से जुड़े 11 राजनीतिक दलों को देश से निलंबित कर दिया है। इसी बीच आपको बता दें, जहां पर पाकिस्तान के सियालकोट में कई बड़े धमाके सेना बेस पर लगी आग। जी हां दोस्तों पाकिस्तान के सियालकोट में कई बड़े धमाके हुए हैं जिससे आर्मी बेस पर आग लग गई है। दोस्तों इन धमाकों से पाकिस्तान दहल गया है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान में आर्मी बेस को निशाना बनाया गया है। हालांकि ये धमाके कैसे हुए हैं इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। दोस्तों पाकिस्तान में तख्ता पलट के बीच सियालकोट में बड़े धमाके हुए हैं। इस वक्त पाकिस्तान में इमरान सरकार के खिलाफ संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग विपक्षी दल लगातार कर रहे हैं। ऐसे में सियालकोट में धमाकों का होना इमरान सरकार को मुश्किल में डाल सकता है। दोस्तों साथ ही आपको बता दें, जहां जम्मू कश्मीर में जो हुआ उसके लिए पाकिस्तान और आतंकवाद जिम्मेदार, इसका सब पर असर पड़ा है। जी हां दोस्तों, ऐसा हमने
नहीं। गुलाम नबी आजाद का नया बयान निकल कर सामने आया है दोस्तों। कांग्रेस के सीनियर नेता गुलाम नबी आजाद ने महात्मा गांधी को सबसे बड़ा हिंदू और धर्म निरपेक्ष व्यक्ति बताया है। आजाद ने कहा, मेरा मानना है कि महात्मा गांधी सबसे बड़े हिंदू और धर्म निरपेक्ष थे। जम्मू कश्मीर में जो हुआ उसके लिए पाकिस्तान और आतंकवाद जिम्मेदार है। इसने सभी हिंदुओं, कश्मीरी पंडितों, कश्मीरी मुसलमानों, डोगराओं को प्रभावित किया है। आप क्या जवाब देना चाहेंगे दोस्तों? गुलाम नबी आजाद को जिस प्रकार से महात्मा गांधी को सबसे बड़े हिंदू और धर्म निरपेक्ष बताया जा रहा है दोस्तों, आप इस वाक्य को किस नजरिए से देखते हैं और गुलाम नबी आजाद को क्या जवाब देना चाहेंगे, बताइएगा जरूर। अगली बड़ी खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर भारत को हथियारों की आपूर्ति करने वाले देशों में रूस सबसे आगे, अमेरिका और इजराइल भी दौड़ में पीछे नहीं रहे। जी हां दोस्तों, समाचार एजेंसी पीडीआई ने स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट बोले तो सिपरी के हथियार व्यापार यानी वेपन ट्रेड के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया गया है कि भारत की को हथियारों का निर्यात करने में रशिया का हिस्सा पिछले 5 सालों में गिर गया है। हालांकि गिरावट के बावजूद डिफेंस थिंक टैंक के मुताबिक रूस भारत के लिए सबसे बड़े हथियार आपूर्तिकर्ताओं में से एक बना हुआ है, जिसके बाद अमेरिका का स्थान आता है दोस्तों। न्यूज 9 ने सन 1962 से हथियारों की आपूर्ति के लिए भारत द्वारा विभिन्न देशों को दिए गए ऑर्डर का विश्लेषण किया। सिपरी के आंकड़ों से पता चलता है कि रूस हमेशा से भारत के लिए हथियारों का प्रमुख आपूर्तिकर्ता रहा है। इसके बाद अमेरिका और इजराइल आते हैं, जिन्होंने 21वीं सदी के पहले दशक से हथियारों की एक बड़ी हिस्सेदारी की आपूर्ति की है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर या मिसाइल, इन सब में रूस नंबर 1 है भारत के लिए। भारत ने साल 1962 से अपने 1/3 से अधिक विमान, एयरक्राफ्ट और संबंधित हथियार रूस से आयात किए हैं। सिपरी के आंकड़ों के अनुसार 936 हथियारों में से 398 हथियारों का आयात रूस से किया गया था दोस्तों। इसके बाद बारी आती है फ्रांस की, जिसने भारत को राफेल जेट बेचे। इसराइल और फ्रांस ने उस दौरान भारत को 100 से भी अधिक विमानों का निर्यात किया था दोस्तों। ऐसे में रशिया को आखिर भारत कैसे भूल सकता है और रशिया के खिलाफ कैसे भारत जा सकता है दोस्तों, वो भी अमेरिका जैसे देशों के कहने पर, जिद करने पर। आपकी अपनी इस पर निजी राय क्या होगी दोस्तों? क्या अमेरिका या पश्चिमी देशों के इंसिस्ट करने से क्या भारत अपने बयान बदल देगा दोस्तों? क्या भारत को न्यूट्रल रहना चाहिए? हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा इन दोनों सवाल का। इसी बीच आपको बता दे, जहां पर चीन ने दी है बड़ी धमकी, नाटो का विस्तार की तरह खतरनाक है अमेरिकी क्वाड, एशिया को नरक में लेकर जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन और रूस में जारी जंग के बीच अब चीन ने भी एशिया में धमकाना शुरू कर दिया है। चीन के उप विदेश मंत्री और भारत में राजदूत रह चुके ली यूचेंग ने अमेरिका की हिंद प्रशांत नीति और क्वाड जैसे समूहों के निर्माण को उसी तरह से खतरनाक करार दिया है जैसे नाटो का यूरोप में विस्तार। अगला विदेश मंत्री बनने की राह में आगे चल रहे ली यूचेंग ने कहा है कि अमेरिकी नीति एशिया को नरक में ढकेल सकती है। ली यूचेंग का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब क्वाड की जापान में बैठक होने वाली है और पीएम नरेंद्र मोदी जी इसमें शामिल हो सकते हैं दोस्तों। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक ली यूचेंग ने शनिवार को कहा है कि यूक्रेन संकट हमें एक आईना दिखाता है कि हम एशिया और प्रशांत क्षेत्र में हालात का आकलन करें। ये इलाका दो अलग अलग तरह के विकल्पों का सामना कर रहा है। क्या हमें एक खुला और समावेशी परिवार बनाना चाहिए जो सबके सहयोग पर आधारित हो, या फिर हमें छोटे छोटे ब्लॉक की तरह बढ़ना चाहिए जो कोल्ड वार की मानसिकता और समूहों के बीच संघर्ष पर आधारित है। बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, जहां क्या धामी फिर उत्तराखंड की पकड़ेंगे कमान, अमित शाह के घर भाजपा नेताओं की बैठक हुई खत्म, उत्तराखंड में विधायक दल की मीटिंग होगी कल। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से पूर्ण बहुमत से जीती है। इसके बाद से भाजपा में मुख्यमंत्री के चयन के लिए माथापच्ची का दौर जारी है। उत्तराखंड के नेताओं की दिल्ली दौड़ लग रही है दोस्तों। मुख्यमंत्री के नाम को लेकर बने सस्पेंस के बीच कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन कौशिक अचानक दिल्ली कूच कर गए। उत्तराखंड के कार्यवाहक सीएम पुष्कर सिंह धामी, पार्टी नेता मदन कौशिक और रमेश पोखरियाल निशंक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर सरकार गठन पर चर्चा करने पहुंचे। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बैठक संपन्न होने के बाद कार्यवाहक सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड भाजपा विधायक दल की बैठक कल शाम देहरादून में होगी, मैं अब देहरादून के लिए रवाना हो रहा हूं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। चर्चाओं में कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर
सिंह धामी सबसे आगे चल रहे हैं दोस्तों। उनके अलावा विधायकों में कद्दावर नेता सतपाल महाराज, डॉक्टर धन सिंह रावत और रितु खंडूड़ी के नाम की भी चर्चा है। एक नाम लेंस डॉन के विधायक दिलीप सिंह रावत का भी चर्चाओं में शामिल हुआ है दोस्तों। ऐसे में आप सभी से सवाल है, कौन होना चाहिए दोस्तों उत्तराखंड का सीएम? कमेंट में अपना सजेशन जरूर दीजिएगा दोस्तों। ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ दोस्तों बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में दोस्तों। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है, तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले खबर का इंतजार करिएगा दोस्तों। हम मिलते हैं आपसे अगली खबर में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।